हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छा पराठा। ये मैदे से भी बनता है और गेहूं के आटे से भी। आज हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने। आटे को छान लिया है पहले से ही। थोड़ा सा डालेंगे नमक, मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथेंगे। सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। हम नॉर्मली रोटी का आटा लगाते हैं, उसी तरह से सॉफ्ट आटा लगाना है हमें। आटा हमने लगा लिया है, तो इसे कुछ सेकेंड तक हाथ से इस तरह से मथेंगे। जब भी आप रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, कुछ भी बनाएं, आटा लगाएं, तो इसे 1-2 मिनट तक इसे इसी तरह गूंथेंगे, तो रोटी पराठा सॉफ्ट बनेगा। अब इस पर 1/2 छोटी चम्मच ऑयल लगाएंगे ताकि आटा सूखे नहीं। चारों ओर अच्छे से लगा लेंगे। अब इसे ढक्कन लगाकर 10-15 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। 15 मिनट बाद फिर से आटे को हमें थोड़ा सा हाथ से पंच मार के गूंथना है। आटा रेडी है। अब इसकी बड़ी बड़ी लोई निकाल लेंगे। लच्छा पराठे में हमेशा बड़ी लोई ही ले, मोटा ही बनता है पराठा। टोटल मैंने इसके अंदर 4 लोई बनाकर तैयार करी है बड़ी बड़ी। तो हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। 1 लोई लेंगे, सूखा आटा लगाएंगे ताकि रोटी को हम अच्छे से बेल सकें। बड़ी सी रोटी बनाकर हमें बेलनी है। ये देखिए, मोटी रोटी हमने बड़ी सी बनाकर बेल ली है। अब इस पर हमें घी लगाना है। 1 से 1.5 छोटी चम्मच हमें इतने इसमें चारों ओर स्प्रेड करना है घी। आप हाथ से, ब्रश से, चम्मच से, किसी से भी लगाइए, अच्छा घी लगाना है। हो सके तो हल्का सा जमा हुआ घी लगाएं, पूरा पिघला हुआ घी ना लगाएं। ये हमने चारों ओर स्प्रेड कर लिया है घी। अब इस पर लगाएंगे सूखा आटा। चारों ओर अच्छे से सूखा आटा लगाएंगे और हाथ से इस तरह से पूरे पर लगा लेंगे। एक छोटी चम्मच जितना हमने आटा लिया है, चारों ओर लगाया है। अब हम इसकी प्लीट्स बनाएंगे। अब देखिए, अच्छे से इस तरह से उठा के एक एक प्लीट्स को उठाए इस तरह से, और इसे हल्का सा जेंटली प्रेस करें। पतली पतली प्लीट्स बनाएं। ये हमने प्लीट्स बनाकर तैयार कर ली है। तो अभी इसे इस तरह से उठा के हमें हल्का सा प्रेस करना है हाथ से, और इसे इस तरह से दबा के पूरा लंबा लंबा हमें इसे रोल की तरह बना लेना है। प्लीट्स टूटनी नहीं चाहिए इस तरह से। और अब इसे गोल गोल फोल्ड करेंगे किनारी से लेके। हल्के हाथ से गोल गोल फोल्ड करें। हमने इसे आटे को लंबा सा फैला लिया था, इससे लच्छे बहुत ही अच्छे बनेंगे पराठे के। इस तरह से अब इसे साइड से चिपका लें और इसे हल्का सा प्रेस करें। इसी तरह हम सारी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने तैयार कर लिए सारी लोई बनाकर। इस तरह से ढक्कन लगाकर 5-10 मिनट के लिए इन्हें रखेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। अब एक लोई लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। हल्के हाथ से बेलना शुरू करेंगे। ज़्यादा जोर लगा कर नहीं बेलना है, धीरे धीरे बेलें। और पास में तवा गर्म होने के लिए रखेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है। ये देखिए, आप
गोल गोल एकदम प्लीट्स कितनी सारी बनी है इसके अंदर। ये फ्राई होने के बाद सारी की सारी खुल जाएंगी। तवा गर्म हो चुका है, पराठे को हमने रखा है, कुछ सेकंड बाद पलटेंगे, आधे एक मिनट के लिए इसे पकने देंगे। फिर इसके ऊपर एक छोटी चम्मच घी डालेंगे, पलटेंगे और अच्छे से सेक लेंगे पराठे को। ये देखिए आप, लच्छे खुलने शुरू हो गए हैं। दोनों ओर इसे अच्छे से सेकना है हमें, दूसरी ओर भी घी लगाएंगे एक छोटी चम्मच जितना। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो ले सकते हैं। पलटेंगे दोनों ओर, पलट पलट कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें इसे पकाना है। सेक लेंगे अच्छे से, आप चाहें तो बिना घी डाले भी इसे सेक सकते हैं, जैसे हम रोटी सेकते हैं सिंपली, और फिर आप घी लगा कर खा सकते हैं। ये हमने देखिए एकदम क्रिस्पी करारा लच्छा पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी प्लीट्स बनी है इसके अंदर, कितने सारे लच्छे बनाए हैं हमने, करीबन 7 से 8 या फिर उससे ज़्यादा हुई है। देखिए आप, तो इसे कितना बनाना आसान है आप देख सकते हैं। हम होटल्स में ढाबों पर खाते हैं, हमें लगता है कि हम इसे घर पर नहीं बना सकते, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको अपने आप ही मिलती रहेंगी। इस लच्छे पराठे को आप पंजाबी सब्जियों के पास, दाल के साथ, चटनी के साथ, किसी के भी साथ खाइए, कोरा कोरा खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है।